छत्रा थाना पर हाईवे क्षेत्र के आजमपुर सरस्वती कुंड में निर्माणाधीन दो मंजिला मकान ढहने से 9 मजदूर घायल हो गए। निर्माण की एक फैक्ट्री में लॉकडाउन के चलते निर्माणाधीन कार्य चल रहा था, जिसमें करीब 9 मजदूर कार्य कर रहे थे। अचानक देखते ही देखते मकान भरभरा कर ढह गया, जिससे बाद चीख बुखार मचने लगी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें करीब 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सुबह करीब 9:30 बजे थाना क्षेत्र हाईवे के ग्राम आजमपुर में एक अर्धनिर्मित मकान, जिसके भूतल पर कुछ मजदूरों द्वारा धागे से चारपाई के जो पट्टे होते हैं उनका निर्माण काम किया जा रहा था, और उसके प्रथम मंजिल पर निर्माण काम भी चल रहा था, तो वो जो छत है दोनों मंजिलों के बीच में वो गिर गई, जिसके कारण ऊपर जो मजदूर काम कर रहे थे और नीचे कुल मिला जुला कर कुल लगभग 9 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। सभी व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। पूरी नीचे थे बिल्डिंग में नीचे जाए बड़ी आई सुना। कौन सी जगह घटना है? सरस्वती कुंड। कितने लोग मजदूर वहाँ काम कर रहे थे? मजदूर साथ 6 जने हम, 7 वो सा मकान मालिक का छोरा। किसका मकान है? मकान तो ठाकुर का, पर नाम की नाम पकड़ता हूँ। 3 मंजिला मकान था वो? नहीं सर, 2 ही मंजिल। तो गिर गया है? कितने लोगों को चोट आई है? कोई गंभीर है? कुछ तो ने कहीं ज़्यादा चोट आई है, 4 तो ने सही है। आपके कुछ अब भी काम कर रहे थे? हाँ। मथुरा की सांसद और बॉलीवुड की अभिनेत्री हेमा मालिनी के कोरोना आपदा में अपने संसदीय क्षेत्र से लापता होने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यतेंद्र मुग्धम ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी सांसद के महामारी के इस दौर में गायब होने पर नाराजगी जताई। गरीब असहाय लोगों को जिस समय जरूरत है सांसद विधायक और अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल मथुरा की सड़कों पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। ऊर्जा मंत्री मथुरा आते हैं लेकिन गरीबों के लिए अभी तक कुछ काम नहीं कुछ कर नहीं। ऊर्जा मंत्री केवल साइकिल चलाने के लिए मथुरा आते हैं, अपना प्रचार करने के लिए और अपना साइकिलिंग का अपना शौक पूरा करने के लिए मथुरा आते हैं। हेमा मालिनी जी केवल जब उनको मथुरा में, मैं समझता हूँ कि जैसे बिहारी जी के दर्शन करने हो तब हेमा मालिनी जी मथुरा आती हैं, जैसे और तमाम लोग आते हैं, तो उनका मथुरा की समस्याओं से और उनको उनके समाधान को लेकर इन लोगों का कोई भी मन कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और सरकार के नुमाइंदों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि लोगों को कहीं भी कोई तसल्ली, कोई राहत की चीज प्रदान की जाए। मथुरा वासियों ने इतने विश्वास के साथ हेमा मालिनी जी को यहाँ से जिताया, यहाँ का सांसद बनाया, उन्होंने यहाँ अभी तक आके ये नहीं देखा इतनी आपदा की घड़ी में लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे अपनी जिंदगी को मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे झेल रहे हैं। ना यहाँ पे आती है, ना देखती है कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, बस उनका कुछ पता ही नहीं है, लापता है, वो तो है ही नहीं है मथुरा के अंदर। उनको आके देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसी व्यवस्था है कैसी नहीं है। कोरोना काल चल रहा है, वो चाहते हैं कि खड़े रहे लेकिन उनका तो कुछ पता ही नहीं है। ये तो विश्वास तोड़ने वाली बात है एक मथुरा वासियों के लिए। जितनी मथुरा की जनता को उनकी जरूरत है लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है, वो लापता है, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है, अस्पतालों में परेशानियाँ हो रही हैं, मथुरा की जनता घूम रही है अस्पतालों में, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, सिलेंडरों की व्यवस्था नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है, और मथुरा की जनता सड़कों पर त्राही त्राही घूम रही है और परेशान हो रही है, किसी तरीके का कहीं किसी तरीके का कोई भी व्यवस्था नहीं है भैया जी। यहाँ कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ, और ये मासूम फासूम लगाते हैं मोड़े से, ना तो वो भी मिल रहे और ना कोई दवाई मिल रही, और कोई देखने को नहीं आता यहाँ पर, कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक। यहाँ के जो सांसद महोदय हैं हेमा मालिनी जी, जी हाँ, तो उनकी तरफ से कोई सुविधा आई है? उनकी तरफ से साहब कोई सुविधा ना आई, 10 साल आएंगे बनने में विधायक MP हुए और भी झांकी तक ना आए गामने में, और बस चुनाव के टाइम पे तो वे ड्रामा रचती हैं, कभी तो राधिका बनती हैं, कभी वह गेहूँ काटने पर हमारी औरतों से गेहूँ को ले लेती हैं और धनाथी को ले लेती, और कहती हैं कि हम काट रहे हैं गेहूँ, और वे क्या जानते हैं गेहूँ के बारे में। सांसद को कभी नहीं देखा है, मथुरा वृंदावन गोवर्धन यही धामों में आती हैं, चली जाती हैं, आश्वासन देती हैं कि भाई चलो गेहूँ काटते हैं हम, आरी ले लेती हैं किसी से, और कोई काम करती नहीं है, वायदा करके चली जाती है। निगम से दवाई नहीं छिड़की जाती है? अभी नहीं छिड़की जा रही है। सफाई कर्मचारी? सरकार सफाई कर्मचारी अभी नहीं आए।
और यहाँ पर बिजली की सुविधा कैसी चल रही है? बिजली सुविधा चल तो रही है पर कम चल रही है। हमारे ऊर्जा मंत्री तो मथुरा के हैं, तो यहाँ का बिजली की सुविधा भी सही नहीं है भैया जी। ऊर्जा मंत्री तो अभी तक शकल नहीं दिखाई है हमारे यहाँ पर। हमारे हेमा मालिनी सांसद जी हैं, वो खाली चुनाव पीठ में आते हैं और जब तो गेहूँ भी काटते नराब भी करना चाहते हैं, मतलब सब आश्वासन देते हैं और उसके बाद फिर वो झांकते नहीं है। बम्बई परेते आते हैं तो गोवर्धन वृंदावन, पर कोई नहीं कि क्या आदमी किसानों की क्या मतलब परिस्थिति में पड़ा हुआ है किसान। अब ये कोरोना चल रहा है, न कोई दवाई की व्यवस्था है, न कुछ नहीं, गांव में कोई आ भी नहीं रहा, देख भी नहीं रहा है। जिन प्रतिनिधियों को आम जनता चुनती है, जिन प्रतिनिधियों को ये सोच के चुनती है कि ये प्रतिनिधि हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे और सरकारी हमें बहुत मदद दिलाएंगे और हमारी परेशानी जो आफत है उसमें भी हमारा ये ख्याल रखेंगे, लेकिन वही प्रतिनिधि आज जिस तरह एमपी हेमा मालिनी यहाँ की, वह प्रतिनिधि चुनी, दो बार चुनी गई है, जनता ने पूरा विश्वास के साथ चुनी है, वह आज यहाँ मथुरा में नहीं है, वो गायब है, लोग ढूंढ रहे हैं उन्हें। वो एक बार भी जनता की सुध लेने नहीं पहुँची है कि जनता का हाल क्या है, मथुरा की स्थिति क्या है, परिस्थितियाँ क्या चल रही है, वो एक दिन भी नहीं पहुँची है। रायबरेली के बस स्टॉप पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम लगाई गई है जो आने वाले यात्रियों की सूची बनाने का काम कर रही है, साथ ही उनका सैंपल भी लिया जा रहा है। अगर स्कैनिंग में जरा भी संदेह लगता है तो उस यात्री को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। इस तरह की कई टीम स्वास्थ्य विभाग ने इलाकों में लगा रखी है जहाँ पर बाहर से वाहन आते हैं। हर एक टीम को 150 सैंपल लेने का टारगेट भी दिया गया है। हमें डेली 150 का टारगेट मिलता है जिसमें से अभी मेरा 120 आरटीपीसीआर हो चुका है, 50 एंटीजन हो चुका है। एक ये चीज़ बताइए, आप स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हैं कि नगर पालिका की तरफ से हैं? हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सीएम ऑफिस। कहाँ का तक अभी आपने जांच की है? हमने अभी 120 टेस्टिंग करवा दी है और सबका भेज रखा है सैंपल, और अभी 30 सैंपल हमें और करना है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अहमदाबाद से। और ये कहाँ जा रहे हैं? एकौना। और चेकिंग हुई आपकी? हाँ चेकिंग हुई। कहाँ पर चेकिंग हुई? अहमदाबाद में भी हुई चेकिंग। और यहाँ? यहाँ भी हुई। क्या चेक किया? क्या चेक हुआ? मुँह में डाल करके वो है कोरोना चेक है, टेम्परेचर की जाँच है। अब कहाँ आप जा रहे हैं? मैं कमला ग्राम थाना नगरोटा। रायबरेली ग्राम सभा सुल्तानपुर खेड़ा में प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के चलते बंद किए गए मार्ग को तोड़कर बाजार लगाया जा रहा है। लोगों में प्रशासन का कोई डर नहीं देखने को मिल रहा। प्रशासन द्वारा सुल्तानपुर खेड़ा गांव की ओर जाने वाली सड़कों के चारों तरफ से बांस बल्ली बांध दिए हैं, लेकिन फिर भी गाँव के लोग बांस बल्ली को हटा कर आवागमन जारी कर रहे हैं। बिजनौर पुलिस ने सड़क पर बेवजह घूम रहे बाइक सवार और कार चालकों के चालान काटे। शक्ति चौराहे पर पुलिस ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता और शहर कोतवाल राधेश्याम के नेतृत्व में पुलिस बल ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान सीओ सिटी ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अगर लोग नहीं माने तो हमें सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ये हमारा रूटीन है कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन कराने के लिए, जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जो लोग किसी आकस्मिक सेवा के लिए जा रहे हैं या कार्य कर रहे हैं ड्यूटी करने के लिए, या फिर जो मेडिकल रेमेडी लेने के लिए जा रहे हैं उनके लिए, अन्य लोग जो अपहरण घूम रहे हैं उनको बार बार उनसे बात की जा रही, जागरूक किया जा रहा है, चटाया जा रहा है, जो अपहरण लोग घूम रहे हैं उनके चालान भी। यूपी के जनपद बिजनौर में चांदपुर चुंगी के पास बेखौफ चोरों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर घर में रखे नकदी सहित लाखों रुपए के जेवर आदि सामान चुराकर फरार हो गए। चोरी की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो मैं वहाँ रहती हूँ काजीपाड़े में, तो मैंने इसे अपनी बहू को लड़के को वहाँ बुला लिया था। मैं के बेटे मेरे बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के दिखा के लाए, अब रात भी आने के लिए कह रहा है, तो 4 बजे मेरा लड़का इन्हें मछलियों को दाना डाल के गया। और बस मैं बोली मेरे तो बेटे मेरा दिल बहुत घबरा रहा, तुम आज जाओ मत, तो ये भाई पे रुक जाए थे मेरे पास। लगभग कितना नुकसान है आपका? लगभग 6 लाख। अयोध्या पहुंच
बजे अपर मुख्य सचिव सिंचाई और जनपद के नोडल अधिकारी टी वेंकटेश द्वारा कोविड के संबंध में विकास भवन सभागार में आवश्यक समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में कोविड का प्रसार को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारी ने मुमताज नगर क्षेत्र का भ्रमण किया और आम लोगों से सरकार और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही आवश्यक सुविधाओं की भी जानकारी ली। अभी हम लोग एक एक चीज़ आज देखेंगे। पहले हम कंट्रोल रूम से स्टार्ट किए हैं। कंट्रोल रूम में कितने कंप्लेंट्स पर डे आ रहे हैं, अप्रैल के साथ मई का कंपैरिजन कैसा रहा, पर डे रेस्पॉन्स हमारा क्या है, किस टाइप के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कितने का हमने क्विकली रिड्रेसल किया है, इसका भी एनालिसिस चल रहा है। इसके बाद हम हॉस्पिटल भी जाएंगे, फिर गाँव का भी विजिट करेंगे, वहाँ हमारे RRTs का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का वैक्सीनेशन का काम देखेंगे। अयोध्या नगर निगम को जर्मनी में बनी सैनिटाइजर मशीन की सौगात मिली है। इस मशीन से बिल्डिंगों, दफ्तरों और धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करने में काफी आसानी होगी। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा इसको ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि हैंड सैनिटाइजर मशीन से शहर को सैनिटाइजेशन करना काफी मुश्किल हो रहा था, जिसके लिए जर्मनी से प्रेशर सैनिटाइजेशन मशीन मंगवाई गई है। सैनिटाइजेशन का जो अभियान है, इसको हम लोग लगातार इसकी जो व्यापकता है उसको बढ़ाने पर प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हैंड हेल्ड जो मशीनें हैं उनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से पूरे शहर का सैनिटाइजेशन संभव नहीं है, और हमारा क्षेत्र चूंकि बड़ा है तो इसलिए हम लोग मैकेनाइज्ड तरीके से सैनिटाइज कर रहे हैं। ट्रैक्टर में लगी हुई जेट मशीन्स को रंगे के अलावा हम लोगों ने अभी जर्मनी से मशीन इम्पोर्ट करी है, जैसे आप लोगों को देख सकते हैं इस समय, तो उस मशीन को ट्रक पर माउंट करके हम लोग लगातार बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं, और मैकेनाइज सैनिटाइजेशन हमारे जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी हानिकारक नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग मशीनों का उपयोग करें और बेहतर सैनिटाइजेशन व्यवस्था लोगों को दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एलिवेटेड फ्लाईओवर के नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर चंडी मंदिर के पास एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर के किनारे खड़े खंभे से जा टकराया। लॉकडाउन होने के चलते किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सड़क किनारे खड़ी एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी, मेरी बाइक यहाँ साइड में खड़ी थी। मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बीटामैक्स हेल्थ केयर से, मैं मेडिकल स्टोर पे था और भैया से बात दो ही बात करी थी मैंने अपने प्रोडक्टों को लेकर। इतने में गाड़ी थी वहाँ से बहुत से स्लिप होने की आवाज़ आई, गाड़ी तिरछी होकर आई है और सीधा यहाँ मेरी बाइक में टक्कर मारी है, यहाँ से इस पे चढ़ी ऊपर नाले के ऊपर और वहाँ जाके फिर इस कंडीशन में, जैसा आप देख सकते हैं, इस कंडीशन में खड़ी हो गई है। कोई इसमें घायल तो नहीं हुआ? घायल कोई नहीं हुआ, इसमें 3 बंदे थे गाड़ी के अंदर, एक फरार हो चुका, 2 पुलिस थाने में है।